हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है लेट्स क्रैक राजस्थान पर, विच इज पार्ट ऑफ अन एकेडमी। और आज हम लोग पूरे सप्ताह का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे जिसमें हम लोग पूरे सप्ताह का आज रिवीजन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप 50 जो क्वेश्चन है उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए कि इस पूरे वीक में आपकी कोई भी क्लास छूट गई है तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। शुरू करें सेशन को। सर, कैन आई टेक आरपीएससी कोर्स आफ्टर 10 बोर्ड विद साइंस? अच्छा, हाँ ले सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाउंडेशन कोर्स जो होता है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीक में मान लीजिए कोई भी आपका सेशन छूटा हुआ है तो आज आप उसको कवर कर सकते हैं। डेली करंट तो हम लोग सुबह लेते ही हैं 7:30 बजे, उसमें स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कवर करते हैं, न्यूज एनालिसिस हम लोग लेकर चलते हैं, मैपिंग होता है उसमें, एमसीक्यू की रिवीजन होता है। डी सैनी ये मेरा कोड है, इस कोड की मदद से आप लोग को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस हाइक होने से पहले, प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर जो है वो जाने वाला है, उससे पहले आप लोग अपने कोर्स को ले लीजिए क्योंकि प्राइस बढ़ने वाले हैं। मेरा कोड यूज कीजिए डी सैनी, कोड की मदद से आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी प्रोफाइल है, काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पढ़कर सक्सेस हासिल कर चुके हैं। अब जो है वो बारी अब आप लोगों की है, किस तरीके से आप लोग अपने सक्सेस को हासिल करते हैं। जब भी आप लोग अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा। उस इंटरफेस में आप अपनी कैटेगरी चूज कीजिए और लैंग्वेज चूज करने का भी ऑप्शन आप लोगों को वहां पर मिलेगा। रिसेंटली इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप लोगों को नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो मिल जाता है। इसके साथ में ही पूरा आपको अपडेट किया जाता है कि कब एजुकेटर जो है उनके लेक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, प्राइस जो है वो जल्दी ही एक्सपायर होने वाले हैं। रिसेंटली आपको पता है कि न्यू कैटेगरीज जो थी उनको अनाउंस किया गया था, जैसे राजस्थान पुलिस है, राजस्थान के लिए रीट का एग्जाम है, पटवार है, वीडियो है, वन रक्षक वनपाल है। तो इसके लिए आप लोग मेरा कोड यूज करना डी सैनी, ये मेरा कोड है, इस कोड की मदद से आप लोग को 20% प्लस 10% टोटल 30% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन जो है ये ऑफर आप लोगों के लिए है। प्राइस हाइक होने वाले हैं, प्राइस हाइक होने से पहले ही आप लोग अपने कोर्स को ले लीजिए, कोड यूज कीजिए डी सैनी, इस कोड की मदद से आप लोग 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अभी सुबह 10 बजे आप लोगों को मैं लिंक जो है वह शेयर करूंगा, उस लिंक में विजेता आरएस के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों को देनी है। अपने भाग्य को आजमाइए और भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत को आजमाइए। यदि आप लोग आरएस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को जरूर ये स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है वो देनी चाहिए। यदि इसमें आप लोगों की रैंक 1 to 100 आती है तो आप लोग को बेनिफिट्स मिलेंगे। रैंक 1 आने पर 75% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 5 आने पर 50% स्कॉलरशिप और रैंक 6 to 100 आने पर 25% स्कॉलरशिप जो है वो आप लोगों को दे दी जाती है 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक आरएस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही ये एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 में क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। आप ये जो है वो इस टेस्ट सीरीज को जरूर दीजिएगा। अभी सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के सामने जो है, आप लोगों के पास में ये लिंक जो है वो शेयर करूंगा। जो स्टूडेंट रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मंडे को फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है शाम को 8 बजे। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, छोटा टेस्ट है, 20 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, जबकि रीट लेवल 2 की जो कि सोशल स्टडीज से जुड़े हुए हैं, है ना, उसमें फ्री प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो आप लोग को मिल जाते हैं ट्यूजडे को और वेनेसडे को शाम को 8 बजे। क्वेश्चन जो है वो 20 रहते हैं, 20 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है और 40 मिनट का ये ड्यूरेशन रहता है। रीट लेवल 2 साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो फ्री प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, कब, थर्सडे को और फ्राइडे को शाम को 8 बजे। आप लोगों को भी देना है। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको पता ही है कि डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप लोगों को भी फ्री प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो देने हैं। डे याद रखिए सैटरडे को होता है राजस्थान पुलिस के लिए, ठीक है। अब आरपीएससी ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस मिल जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आप लोग कर सकते हैं, जितना भी आप लोग चाहो
उसका अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आप लोग कर सकते हैं, कितनी भी बार अपने सिलेबस को देख सकते हैं, काफी कम प्राइजेस के अंदर ये मिलता है। राजस्थान वीडियो एग्जाम हो या फिर राजस्थान पटवार का एग्जाम हो, उसके लिए भी सेम यही है, रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस आप लोगों को मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आप लोगों को एक कोर्स पर मिल जाता है, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वन रक्षक वनपाल के लिए रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपको मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, और काफी कम प्राइजेस है, आप लोग देख सकते हैं 458 रुपए पर मंथ किसके लिए है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, और 375 रुपए पर मंथ है ना, एक तो नेट का रिचार्ज ही होता है केवल इतना तो, ठीक है। प्लस के फीचर्स है कि घर बैठे आप लोग क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल ही जाता है, टॉप एजुकेटर आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, पूरा सिलेबस जो है उसको कवर करवाया जाता है, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिल जाता है, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, और गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है। मान लीजिए कि कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होता है तो आप लोग उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। जो लेक्चर आप लोग अभी देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोग को एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करने वाले यदि आप लोग पहले व्यक्ति होंगे, पहले विद्यार्थी होंगे, तो आप लोग को क्लेम प्राइस जो है वो मिल जाएगा 500 रुपीज का अमेजन वाउचर, ये आप लोग को मिल जाएगा। सभी लर्नर्स के लिए ये फैसिलिटी होती है, तो कोई भी यदि मान लीजिए गलत इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होता है तो आप लोग उसकी क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 27 मार्च 2022 के वीकली करंट अफेयर को, टॉप 50 करंट अफेयर इसमें रहेंगे, है ना। यदि टॉप 50 करंट अफेयर रहेंगे इसमें, यदि मान लीजिए कोई क्लास आपकी छूटी है तो फिर आपको क्या करना है, ये यहां से कवर कर लेने हैं। सुभाष जाट, बिल्कुल आपका दर्द मैं समझ सकता हूं कि आपको कहां कहां दर्द हो रहा है ना, ठीक है। तो जैसे देख लेते हैं, अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं सुभाष जाट, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर पाते हो, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति जो हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं बताइए, नरेंद्र त्रिवेदी, सुभाष जाट, बताइए। देखे सुभाष जाट लगता है उम्र काफी हो गई है, सिलेक्शन आपका हो नहीं रहा है, क्या कीजिएगा। कविता चौधरी, गुड मॉर्निंग, सुभाष जाट तैयारी करो अच्छे से, ऐसे काम नहीं बैठेगा, है ना, आंसर करो, देखते हैं। कविता चौधरी स्वागत है आपका, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति जो है वो कौन बने हैं, जल्दी से बताइए तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, टॉप 50 करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं। नरेंद्र त्रिवेदी कह रहे हैं कि ए है सर, सरदार बर्दी मुहाव मदोव, है ना। सुभाष जाट कह रहे हैं कि ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, ए ही करेक्ट आंसर है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति जो है वो यही व्यक्ति बने हैं, नाम बड़ा अटपटा है, आप लोग देख सकते हैं, सरदार बरही मुहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने भी इन्हीं का स्थान लिया है, मतलब बरही मुहम्मदोव जो है इनका स्थान लिया है, नाम थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल कविता चौधरी, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे सेशन के अंदर, टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग को कवर करने हैं। फॉर्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पहला ऑप्शन है आपके पास में लुइस हैमिल्टन, दूसरा है चार्ल्स लेक्लेर, तीसरा है कार्लोस सैनियस, और डी है जॉर्ज रसेल। आप लोग को बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है। सर जी हाईकोर्ट एलडीसी का क्या होगा, बिल्कुल एलडीसी का जो पेपर है वो वही रहेगा, रद्द नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होगा, क्योंकि रीट पहले रद्द हो चुकी है, सरकार जो है उसके ऊपर एक सवाल निशान खड़ा होता है, तो अब जो है वो हाईकोर्ट को रद्द किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगी, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर का आंसर बताइए आप लोग, दूसरे का ए बता रहे हैं, दूसरे का भी ए बता रहे हैं, फॉर्मूला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2022 उसको किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। एसओजी जांच कर रही है, एसओजी कितनी भी जांच कर ले कुछ भी उनको मिलेगा नहीं, है ना, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, है ना। बात कहां की रह गई, हाईकोर्ट की रह गई, अगर अधीन सेवा बोर्ड की होती ना तो फिर भी एसओजी को कुछ मिल जाता, हाईकोर्ट में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये रिसेंटली किसने जीती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोगों का गलत है, बी जो है करेक्ट आंसर है, चार्ल्स लेक्लेर जो है इन्होंने रिसेंटली बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है,
और उसमें लुइस हैमिल्टन थर्ड नंबर पर आए हैं। लुइस हैमिल्टन जो हैं वो ब्रिटेन के हैं और फेरारी की गाड़ी चलाते हैं ये, और इनको थर्ड पोजीशन इसमें हासिल हुई है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। कविता चौधरी, गीता बिश्नोई, बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चार्ल्स लेक्लेयर जो है वो फेरारी मोनाको के जो है खिलाड़ी हैं, मोनाको के, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है, और इसी में लुइस हैमिल्टन जो है वो थर्ड पोजीशन पर आए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? जल्दी से बता दीजिए। नस्लीय भेदभाव जाति के आधार पर, रंगीय भेदभाव के आधार पर नस्लीय भेदभाव होता है। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, तब तक मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये नस्लीय भेदभाव जो है वो किस प्रकार से देखा जाता है। नस्लीय भेदभाव एक तो होता है स्पष्ट भेदभाव, है ना, और एक होता है अस्पष्ट भेदभाव। दो तरीके का भेदभाव होता है। स्पष्ट भेदभाव हम लोग कहते हैं कि जब आसानी से वो दिखाई दे जाए और अस्पष्ट में आसानी से दिखाई नहीं दे। जैसे रंग के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, जैसे कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए ब्लैक कॉम्प्लेक्स का है और कोई व्यक्ति जो है वो व्हाइट कॉम्प्लेक्स का है, तो हम लोग देख कर ये पता कर सकते हैं कि वहां पर नस्लीय भेदभाव अगर होगा तो वो रंग के आधार पर होगा। लेकिन जहां पर अस्पष्ट होता है, समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग कहते हैं अस्पष्टीय नस्लीय भेदभाव। जैसे हिंदू और मुस्लिम, कौन व्यक्ति हिंदू है कौन व्यक्ति मुस्लिम है ये पता नहीं लगता है, इसलिए ये अस्पष्ट तरीके का क्या है, नस्लीय भेदभाव है। ठीक है, बिल्कुल। भरत मीणा गुड मॉर्निंग, सोनी गुड मॉर्निंग, साक्षी शर्मा, भरत मीणा डी कह रहे हैं, भरत मीणा बोलो 21 मार्च है सर, तीसरे का डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया गजब। तीसरे का डी इसमें करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। बिल्कुल साक्षी शर्मा नमस्ते, आपको तो हाथ जोड़ के नमस्ते। साक्षी शर्मा एक ऐसी विद्यार्थी हैं, भरत मीणा ऐसे विद्यार्थी हैं, गीता विश्नोई, आप सभी लोग जो है सेशन में उपस्थित रहते हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से मैं आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन मनाया जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में, यूएसए के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस वाले ने घुटना रख कर गर्दन पर उसकी हत्या कर दी थी, किस लिए, नस्लीय भेदभाव के चलते। कहीं ना कहीं अमेरिकी पुलिस वाले के मन में ये चीज घर घर गई थी कि एक काला व्यक्ति जो है वो अपने आप में जो है इन्फीरियर है ना, इन्फीरियर होता है, मतलब हम लोग कहते हैं कि उसके पास में कोई योग्यता नहीं होती है, ऐसी धारणा जो थी उस पुलिस वाले के मन में थी, इसीलिए उसने क्या किया, वो गलत किया था। ठीक है, कविता चौधरी बिल्कुल आपका भी स्वागत है, जय मेवाड़ा स्वागत है आप सभी लोगों का, सोनी ठीक है। चलिए नस्लीय भेदभाव को आप लोग समझ गए, तो 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव जो है इसको उन्मूलन, इसको हटाने के लिए क्या मनाया जाता है, उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं भैया बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही वैसे। देखिए हमारे भारत के अंदर, हमारे भारत में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्या जय शाह जो हैं, जय शाह उनमें स्वयं में इतनी योग्यता है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए हैं, या फिर कुछ और बात है। जय शाह जो है वो किसके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे हैं, है ना। जय शाह क्रिकेट क्या उन्होंने खिताब जीता है कोई बहुत बेहतरीन, भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल के हमारे पास में खिलाड़ी भी तो बहुत सारे थे भाई, उनको भी सम्मान के तौर पर इस पद पर बैठाया जा सकता था दूसरे बार, यानी कि चलिए मान लिया कि एक बार आपने उनको ये पद दे दिया, वापस से आप उन्हीं को वापस को उसी व्यक्ति को वापस से उस पद पर बैठा रहे हैं। हमारे पास में ऐसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के पद पर बैठाया जा सकता है ना। तो क्या भारतीय परिवेश को बदलने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि क्या ऐसा होना ठीक है। राजा का बेटा राजा बनेगा, जय मेवाड़ा कह रहे हैं बिल्कुल। ऋग्वेदिक काल के अंदर जब ऋग्वेदिक काल था तब तो बड़ा मस्त था, मजे था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो व्यवस्थाएं बदल गई। उत्तर वैदिक काल में राजा का बेटा राजा ही बनता था, है ना, इसलिए उसको परवाह नहीं थी कि मैं जनता का कल्याण नहीं करूंगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि मैं जो है वो राजा बनूंगा, है ना।
ठीक इसी तरह यहां पर भी जो है वो उत्तर वैदिक काल के कुछ एग्जाम्पल सेट होते हुए हमको दिखाई देते हैं। भारतीय क्रिकेट के अंदर कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो कि इस पद पर सुशोभित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। राजा का बेटा राजा बनेगा। सर जी बदलना चाहिए, बिल्कुल एक टर्म के लिए कह दिया, एक टर्म के लिए बना दिया, बहुत है भाई, है ना, एक टर्म के लिए बना दिया तो बहुत है। कार्तिक कह रहे हैं कि सर नॉर्वे आंसर है। साक्षी शर्मा नॉर्वे, सोनी का नॉर्वे आंसर है, बिल्कुल नाटो के जो सदस्य देश हैं उनका सैन्य अभ्यास है कोल्ड रेस्पॉन्स, और उन्होंने कहां पर किया है इसको, नॉर्वे के अंदर किया है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ऑस्लो जो है ये नॉर्वे की कैपिटल है। यहीं पर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो देश है वो यूक्रेन के नजदीक है, यूक्रेन के उत्तर में है, रूस के नजदीक है। अब देखिए रूस ने जो है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले किए हैं। क्या यूक्रेन के ऊपर जो हमले किए गए हैं रूस के द्वारा, क्या ये सही है गलत है, इसका निर्णय जो है वो हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात तो यहां पर ठीक है कि रूस के साथ में जो भूतकाल के अंदर व्यवहार हुआ है उसका परिणाम आज जो है वो पूरा का पूरा विश्व जो है वो देख रहा है। किस तरीके से रूस का विघटन जो था वो किया गया था 1990 में जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार बेसिकली गिरना एक सिंबॉलिक था, ऐसे नहीं कोई दीवार थी बहुत बड़ी वो गिरी थी, है ना, ऐसी मतलब बर्लिन जो है ना, बर्लिन जो देश है, यानी कि बर्लिन कहां पे देश क्या, सॉरी जर्मनी जो देश है उसकी कैपिटल है बर्लिन, वहां पर बेसिकली पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे वो दो धड़ों के अंदर बटे हुए थे। जब उनके बीच की खाई खत्म हुई तो हम लोग कहते हैं कि उस वो जो समय था वो बर्लिन की दीवार गिरने का समय था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी थी कि उसके ही सदस्य देश उसका विरोध करने लगे। और गिरी क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वो अपने कई सारे ऑपरेशन चला रहा था, कई सारे वहां पर ऑपरेशन शांति के लिए ऑपरेशन उसने चलाए थे, वहां पे पैसा खर्च हुआ और उसके चलते रशियन जो इकोनॉमी है वो काफी डाउन हुई और उससे कई देश टूटकर अलग हो गए। यूएसएसआर का विघटन हुआ, दर्द बड़ा हुआ यूएसएसआर को, है ना। तो व्लादिमीर पुतिन उस समय केवल और केवल एक सेना के अंदर सैनिक थे। आज देखिए यूएसएसआर जो है अपनी ताकत दिखा रहा है यूक्रेन के ऊपर और वो पूंजीवादी देशों को ये बता रहा है कि जिस देश को आज से आपने 30 साल पहले कमजोर समझा था वही देश जो है वो आज बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, अच्छा रिसेंटली क्या हुआ है, नाटो के जो सदस्य देश हैं उन्होंने ये कहा है कि यदि रूस यूक्रेन के ऊपर रासायनिक हमला करता है तो फिर नाटो की सेनाएं यूक्रेन को बचाने के लिए उतर जाएंगी। कहां पर यूक्रेन के अंदर, है ना। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि नाटो फिर से उकसा रहा है रूस को कि वो केमिकल वॉर करे, रासायनिक यदि हमला करे, है ना, रासायनिक हमला करे तो हम लोग आएंगे बचाने के लिए। अब मान लीजिए बचाने के लिए नहीं आए तो रूस ने केमिकल वॉर भी कर दिया और बचाने के लिए नहीं आए तो फिर क्या होगा, ये तो वापस से पहले वाली कहानी हो जाएगी कि एक प्रेमिका ने प्रेमी से वादा किया कि हम लोग उस दिन ब्याह रचाएंगे, है ना, आप पहुंच जाना वहां पर, लेकिन उस दिन जो है वो क्या हुआ कि नहीं पहुंच पाए, किसी और के साथ रफो चक्कर हो गए हैं। ठीक यही कहानी जो है वो यूक्रेन के साथ हो रही है, वादा खूब किया जा रहा है लेकिन वादा खूब किया जा रहा है यूक्रेन के साथ में लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, सर जी रशिया के द्वारा जो ऑपरेशन जेड चलाया इसका मींस क्या है, मतलब दो विचारधाराओं का एक होना राष्ट्रवाद के लिए, मतलब जर्मन राष्ट्रवाद के लिए मतलब है कि दो विचारधाराएं जो थी इन्होंने आपस में जो पहले अलग अलग थी वो क्या हुई, एक साथ हो गई। जर्मनी की बात है ये, देखिए जर्मनी के ऊपर इतने ज्यादा कर का रोपण किया गया था, इतना ज्यादा उसके ऊपर पैसा जो था वो देने की शर्त रखी गई थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के ऊपर जितना उन्होंने
कर का टैक्स जो था वो लगाया था विकसित देशों ने, उसकी भरपाई 2010 में जाके हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक, उसके बाद में एक संधि हुई, जिसको हम लोग वर्साय की संधि कहते हैं। उसके तहत जर्मनी के ऊपर कई बिलियंस डॉलर का जुर्माना लगाया गया, उसको जर्मनी ने अब चुकाया है 2010 के जाते जाते, इतना लंबे समय तक उसने चुकाया है पैसा। यूक्रेन रूस की बेवफा प्रेमिका है, वो किसी और के साथ भाग गई, मतलब नाटो के साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए आप लोग कह रहे हैं आंसर आईआईटी खड़गपुर, कविता चौधरी, आईआईटी कानपुर नहीं होगा, आईआईटी खड़गपुर ही होगा। कार्तिक नोपुर, हनुमंत सिंह, गीता विश्नोई, बहुत बढ़िया, आईआईटी खड़गपुर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ड्रोन आधारित खनिज का अन्वेषण है ना, खनिज का अन्वेषण मतलब खनिजों की खोज जो है वो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, मालदीव की सरकार ने है ना क्या किया है, सम्मानित किया है। यहां से एक बात तो सामने निकलकर आती है कि मालदीव के साथ में हमारे रिश्ते जो है वो बड़े अच्छे हैं। बाद में मुझे काम है सर, मैं बाद में देख लूंगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। भरत मीणा आपने कह दिया, बहुत बढ़िया। सुरेश रैना आप लोग बता रहे हैं, सुरेश रैना आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सुरेश रैना जो है ये करेक्ट आंसर है। नूपुर, जय मेवाड़ा, कार्तिक, कविता चौधरी, सोनी, कार्तिक, बिल्कुल स्वागत है आप सभी लोगों का। सुरेश रैना जो है करेक्ट आंसर है। यहां से एक बात निकल कर आती है कि मालदीव सरकार के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे हैं। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, और उसी सरकार के द्वारा सुरेश रैना को जो है वो क्या प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है, स्पोर्ट्स आइकन 2022। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सुरेश रैना जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। दी ऑटोबायोग्राफी और सुरेश रैना, बताइए जल्दी से कि क्या नाम है। हर्ष हनुमंत कह रहे हैं, बिल्कुल सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय मेवाड़ा, अच्छा स्ट्रीमिंग हो रही है, सही चल रहा है क्या, बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज हो सकता है कि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए ऑटोबायोग्राफी बताइए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। और आठवां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ता को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी जो है वो कौन बन गई है, मतलब बिना इंटरनेट के उपयोग के क्या डिजिटल ट्रांजेक्शन हो सकता है। वाह वाह क्या बात है कविता चौधरी, बहुत अच्छा कविता चौधरी ने जो है वो बहुत अच्छा आंसर किया है, और इन्होंने किया है बिलीव, बहुत बढ़िया। तो कविता चौधरी के लिए जो है वो क्लैपिंग होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, इन्होंने अपना आंसर जो है वो बिलीव बताया है। मुन्ना राम आपका भी आंसर करेक्ट है, बिलीव आपने आंसर बताया है, बिलीव जो है वो किसकी है, सुरेश रैना की है। तो दोनों के लिए जो है वो जबरदस्त तालियां मेरी तरफ से। नूपुर ने आंसर बताया है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साक्षी शर्मा, सोनी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए बीपीसीएल जो है मतलब बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किए हुए डिजिटल भुगतान करना, ये कंपनी किसने की है, ये पेशकश जो है वो किसने की है, बीपीसीएल। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि यार बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किए हुए डिजिटल पेमेंट कैसे हो सकता है, तो सुनिए कैसे होता है, इसके बारे में सुनिए। होता क्या है, बेसिकली एक कस्टमर केयर नंबर होता है, उस कस्टमर केयर नंबर पर आप क्या करते हो, कॉल करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए डायल किया आपने 123 डायल करने पर आपका कॉल जो है वो कस्टमर केयर में जाएगा, फिर वो बोलेगा कि आप कितने रुपए का भुगतान करना चाहते हैं, 1000 के लिए 1 दबाइए, 5000 के लिए 2 दबाइए, 10000 के लिए 3 दबाइए, और कुछ भी नहीं करना है तो कुछ भी मत दबाइए, ठीक है। चलिए तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपने 2 दबाया तो 10000 रुपए मान लीजिए ट्रांसफर आप करना चाहते हैं, फिर बोलेगा कि अकाउंट नंबर दर्ज कीजिए, अकाउंट नंबर आप लोगों ने दर्ज किए 6109849940, ये आपने अकाउंट नंबर दर्ज कर दिए। फिर वो पूछेगा कि आईएफएससी कोड दर्ज कर दीजिए, आईएफएससी कोड जैसे दर्ज करेंगे तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है ट्रांसफर हो चुका है। प्लेइंग इट्स माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड के अंदर भी क्या हो सकता है, डिजिटल भुगतान हो सकता है, हो जाएगा।
सर जी इसमें कोई लिमिट नहीं है क्या? बिल्कुल लिमिट है इसके अंदर, इसके अंदर जो है वो लिमिट लगाई हुई है 99,000 की, एक लाख से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। हर्ष हनुवंत नुपुर, कितने रुपए डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक लाख से कम जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कविता चौधरी कह रही है कि बी आंसर है सर, फरीदाबाद हरियाणा। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग की बात मैंने मान ली है, फरीदाबाद जो है ये करेक्ट आंसर है। यदि पूछे कि भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा है, तो वो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला भारत का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा के अंदर क्या किया गया है, आयोजित करवाया गया है। सूरज कुंड मेला कौन सा है, ये 35वां है ना, 35वां है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। रिसेंटली आपको पता होगा हरियाणा जो है, हरियाणा पंजाब इनकी राजनीति जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है ना, जैसे पंजाब के अंदर राजनीति बदल चुकी है, गुरदास मान जो हैं वो मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, वैसे ही हरियाणा जो है इसकी भी राजनीति जल्द ही पलटने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, रक्षा मंत्री द्वारा कहां उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है, वेयर हैज द डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर, हाँ भगवंत मान भगवंत मान भगवंत मान चलिए ठीक है, तो क्या है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जो है ना वो शब्द जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, मस्त रहिए पढ़ते रहिए। चलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप, तो चलिए कम से कम आप लोग सुन तो रहे हैं मेरी बात है ना, जिन्होंने सुनी उन्होंने कमेंट भी किया, बहुत अच्छी बात है। नुपुर कह रहे हैं कि सर सी आंसर है गुरुग्राम, 10वें का करेक्ट आंसर बताइए। भाई जिन्होंने भी सेशन अटेंड नहीं किया था, वीक में कोई मिस किया था, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से, टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। गुरुग्राम आप लोग कह रहे हैं, 10वें का करेक्ट आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर में, गुरुग्राम नहीं है, बेंगलोर के अंदर जो है ये कॉम्प्लेक्स भगवंत मान है ना, गुरदास मान नहीं भगवंत मान, हाँ गुरदास मान के सॉन्ग काफी सुनते हैं हर्ष हनुवंत, अरे कई फर्क पड़ता है ना, हनुवंत मान कह दे गुरदास मान कह दे है ना। चलिए सर गुरुग्राम ही कराए, नहीं गुरुग्राम नहीं है, ये देखिए उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिषद जो है वो कहां पर है, बेंगलोर के अंदर, यहां पर देखिए राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर जो है वो डीआरडीओ प्रयोगशाला जो है इसकी स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट देखिए है ना, नेक्स्ट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मौसम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोलॉजिकल, मेट्रो ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डे जो है इसको कहा जाता है, ठीक है ना, मेट्रोलॉजिकल ठीक है, एम ई टी ई ओ आर ओ लॉजिकल है ना, लॉजिकल ठीक है, मेट्रोलॉजिकल इंटरनेशनल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजिकल की स्पेलिंग भी टाइप करके भेजो जल्दी से, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 23 मार्च को आता है। किस किस ने करेक्ट आंसर किया है, जय मेवाड़ा, साक्षी शर्मा, नुपुर, कार्तिक, कविता चौधरी, बहुत अच्छा, गीता बिश्नोई, बहुत बढ़िया, 23 मार्च मेट्रोलॉजिकल जो है इसकी स्पेलिंग जल्दी से टाइप करके भेजिए, आप लोग को याद होनी चाहिए, एम ई टी ई ओ आर ओ, एम ई टी ई ओ आर ओ लॉजिकल है ना, स्पेलिंग में मिस्टेक मत कर देना आप लोग, देखिए हम लोग स्पेलिंग में जो है वो याद कर रहे हैं, याद सातवें पिट दी गलियां दी मेट्रोलॉजिकल इंग्लिश में टाइप करके भेजना है, हिंदी में लिख के भेज दिया है मेट्रोलॉजिकल है ना, मेट्रो एम ई टी आर ओ नहीं, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, मेट्रोलॉजिकल नहीं यहां पर स्पेलिंग एम ई टी ई ओ आर ओ है ना, स्पेलिंग तभी तो मैं आपको बता रहा था, एम ई टी ई ओ आर ओ है ना, मेट्रोलॉजिकल ठीक है। मुन्ना राम, कार्तिक बहुत अच्छा, हनुमंत सिंह, इसीलिए तो आप लोगों को सिखाना चाह रहा था है ना।
अच्छा बताइए 23 मार्च को और कौन सा दिवस आता है? 23 मार्च को मौसम काफी खराब हुआ, क्यों खराब हुआ? 23 मार्च को मौसम इसलिए खराब हुआ क्योंकि उस दिन हमारे देश के जो वीर जवान हैं वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे, है ना? वो उस दिन क्या हुए थे, शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को, इसीलिए शहीद दिवस भी हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को, और मौसम खराब हुआ तो मौसम दिवस भी, ठीक है। अच्छा देखिए 24 मार्च की डेट निर्धारित थी फांसी की, है ना, 24 मार्च की डेट जो थी वो निर्धारित थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए, लेकिन फिर एक दिन पहले ही लगभग सुबह 5 बजे इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्साइज है जिसका नाम है दस्त लीग, भारत और किस देश के बीच में जो है वो आयोजित शुरू की गई है, मतलब हो रही है, अभी भी चल रही है, ये भी कब से शुरू हुई थी, 22 मार्च से शुरू हुई थी और 31 मार्च तक चलने वाली है, दस्त लीग बताइए किस किस के बीच में है। दस्त लीग जो है किस किस के बीच में है, सी आप लोग बता रहे हैं उज्बेकिस्तान, मतलब समझदार हो गए हैं, है ना, समझदार हो गए हैं आप लोग, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में है, ये उज्बेकिस्तान के अंदर ही हो रही है, लेकिन इससे पहले जो 2021 के अंदर जो था, 2021 के अंदर वो कहां पर हुआ था, रानीखेत में, है ना, रानीखेत कहां है, यूके के अंदर, यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मत पहुंच जाना। चलिए ठीक है, तो 22 मार्च से 31 मार्च तक जो है अभी भी चल रहा है दस्त लीग युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मैंने आप लोगों को जीआई टैग किया करवाया था, सुनीता राज बिल्कुल गुड मॉर्निंग सुनीता राज, इस बार आरएस क्रैक करना है, मुझे पता है इस बार आपके पेपर जो हैं वो ठीक ठाक हुए हैं, मॉडरेट हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जल्दी जो है आरएस मेंस का यूट्यूब के ऊपर बहुत ही जबरदस्त सेशन लाने वाला हूं, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तैयार रहना आप लोग। चलिए जीआई टैग रिसेंटली मैंने करवाया था, नरसिंह पेट्टई नाग स्वर्म, है ना, एक क्या है, फांसी से पहले भगत सिंह आखिरी बार अपनी मां से मिले थे, तब उन्होंने अपनी मां की विद्यावती से कहा था मेरा शव लेने आप नहीं आना और कुलबीर को भेज देना क्योंकि यदि आप आए तो रो पड़ेंगे। अच्छा बहुत अच्छा, चलिए तमिलनाडु जो है वो आप लोग बता रहे हैं, तमिलनाडु बिल्कुल, तमिलनाडु जो है वो करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु के अंदर एक हम लोग कह सकते हैं शहनाई, है ना, शहनाई टाइप का है भाई ये वाद्य यंत्र जो है वो शहनाई टाइप का है, है ना, बिल्कुल शहनाई के जैसा है, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। भारत के अंदर भौगोलिक संकेतक अधिनियम, भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब बनाया गया था, भौगोलिक संकेतक अधिनियम जो है वो वर्ष 2000 के अंदर आया था, याद कर लेना, ये सन काफी एग्जाम में आता है। पेटेंट के लिए कब अधिनियम आया था, पेटेंट अधिनियम बताइए जल्दी से, पेटेंट अधिनियम कब आया था, 1970 के अंदर, याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पेटेंट अधिनियम 1970 के अंदर आया था, और भौगोलिक संकेतक के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो वर्ष 2000 के अंदर बनाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीआई टैग वाला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, IQ Air 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बता दीजिए, सांस लेना दूभर हो रहा है, PM2.5 और PM10 कणों की वजह से सांस लेना जो है वो दूभर हो रहा है, हमारे फेफड़ों की जो एल्वियोली है वो वर्क नहीं कर पा रही है, हमारे फेफड़े जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली आप लोगों का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, दिल्ली ही इसका करेक्ट आंसर है, है ना, दिल वालों की है दिल्ली। और कविता चौधरी, जय मेवाड़ा, साक्षी शर्मा नुपुर, सुनीता राज बहुत अच्छा, राजधानी कौन सी है, दिल्ली है, और शहर कौन सा है, है ना, जिला गाजियाबाद। चलिए किसने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है, गिग इंडिया है ना, गिग इंडिया जो है इसका अधिग्रहण किया है, फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क है गिग इंडिया, गिग इंडिया मतलब क्या है, फ्रीलांसर है, फ्रीलांस मतलब कि किसी को भी मान लीजिए जॉब की जरूरत है तो वो फ्रीलांसर पर जॉब ले सकता है, जैसे आपको कोई होमवर्क वगैरह कराना है, कोई प्रोजेक्ट कराना है, तो आप उसको इंटरनेट पर डाल दीजिए कि मुझे ये कराना है, जो भी करेगा मैं उसको 2000 रुपये दूंगा, ये क्या है, फ्रीलांसिंग है। कोई भी इंसान जिसको पैसे की जरूरत है वो क्या करता है, उस जॉब को ले लेता है, उसको काम को कर देता है। फोन पे आप लोग कह रहे हैं, फोन पे आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल फोन पे करेक्ट आंसर है, फोन पे जो है, फोन पे के द्वारा गिग इंडिया का क्या किया गया है, अधिग्रहण किया गया है। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं
जो कि अपनी पढ़ाई के साथ में जो है कुछ काम भी करना चाहते हैं, तो आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने इंटरव्यू में सुना होगा आईएएस के इंटरव्यू में कि कुछ विद्यार्थी जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं, है ना। आप लोग भी कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, है ना, ज्यादा टफ नहीं है। क्या होता है, मैंने भी की है कॉलेज टाइम पे, फ्रीलांसिंग की है, खूब काम किया है। जैसे मान लीजिए फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि अपने आप को रजिस्टर करो, वहां पर उस साइट के ऊपर कई ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है काम पेंडिंग रहता है। कोई कहता है कि मुझे 20 पेज जो है वो टाइप करके चाहिए, मुझे जो है ये प्रोजेक्ट बनवाना है, मुझे ऐसा करना है, तो आप क्या है कि सीधे उस आदमी के टच में आ जाते हैं, वो फिर आपको वर्क देना शुरू कर देता है और आप क्या करते हैं उसके लिए पेमेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। चलिए 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भिवाड़ी को दिल्ली की हवा लग गई, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं लड्डू के भैया, साक्षी शर्मा, भरत मीणा, बिल्कुल बिहार जो है ये करेक्ट आंसर है। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार को एक नई पहचान दी थी, और फिर बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ था, है ना। चलिए 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान जो है वो कौन सा बना है, पृथ्वी के ऊपर सबसे गर्म स्थान कौन सा बन गया है। भाई ठंडा स्थान कौन सा है, वो है रशिया का वर्खोयांस्क, सबसे ठंडा स्थान है रूस का वर्खोयांस्क, वो सबसे ठंडा है, ठीक है। सबसे गर्म बताना है आपको कौन सा है, कुवैत। भाई गर्मी इतनी पड़ रही है, मार्च के अंदर ही गर्मी इतनी पड़ गई है कि लोगों ने कूलर भी फेल हो रहे हैं इस समय, तो कूलर एसी जो है वो फेल हो रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है मार्च के अंदर, ठीक है। तो कुवैत जो है उसका टेम्परेचर 53.2 डिग्री सेल्सियस, समझ पा रहे हैं आप कितना, मतलब पानी जो है वो आधा उबल रहा है, इतनी भयंकर गर्मी जो भी मार्च के महीने में, ठीक है। चलिए पिछली बार जब गर्मी हुई थी कुवैत में तो पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते ही मर रहा है वो, तो क्यों, डिहाइड्रेशन के कारण, क्योंकि उसकी बॉडी का जो भी पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, उसकी बॉडी में पानी नहीं बचता, मर जाता है वो, है ना, ठीक है। देखिए मार्च 2022 में निवेश के अवसर तलाशने के लिए गल्फ निवेश समिट, ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। बताइए गल्फ निवेश समिट कहां पर हुई है, जम्मू कश्मीर आप लोग बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब है, इराक, ईरान, ये सब क्या है, गल्फ कंट्रीज है, तो इनके लिए क्या है एक निवेश जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक समिट करवाया गया है। सेशन को लाइक नहीं किया है तो, है ना, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है असनी, है ना, असनी, इसका नामकरण किसने किया है, जल्दी से बता दीजिए इसका नामकरण जो है वो किस देश के द्वारा किया गया है। देखिए हिंद महासागर जो आप लोग देखते हैं, हिंद महासागर के अंदर अंदर जो है वो कुल 13 देश हैं, हिंद महासागर में कुल 13 देश हैं, है ना, हिंद महासागर के टचिंग में। अब बारी बारी से उनकी जो है वो जो है नाम सुझाते हैं, बारी बारी से नाम सुझाते हैं कि कौन सा देश जो है वो नाम देगा। श्रीलंका आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल श्रीलंका जो है श्रीलंका के द्वारा ही दिया गया है असनी, इसका मतलब क्या होता है, क्रोध, इसका मतलब होता है क्रोध, तो श्रीलंका जो है इसी के द्वारा ये नाम सुझाया गया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है पता है आप लोगों को, कोलंबो मत कर देना, है ना, कोलंबो मत बोल देना, बोलो सर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, कोलंबो मत कर देना, बताइए श्रीलंका की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का COVID-19 प्रतिक्रिया समन्वयक जो है वो नियुक्त किया गया है, जल्दी बता दीजिए। हाँ, जयवर्धनेपुरी कोट्टे, है ना, मैं पूरा बोल देता हूँ, जयवर्धनेपुरी कोट्टे जो है वो क्या है, श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। चलिए भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का COVID-19 प्रतिक्रिया समन्वयक जो है कोऑर्डिनेटर वो अपॉइंट किया गया है, बताइए जल्दी से। 20 का सी बता रहे हैं, आशीष झा, झाजी जो है वो पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आशीष झा जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, है ना, बहुत अच्छा। COVID-19 प्रतिक्रिया समन्वयक मतलब वहां पर जो COVID-19 के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन का काम आशीष झा जो है वो करेंगे। जेफ जिंस्टन का जो है इन्होंने स्थान लिया है। प्रतिभाएं कभी कभी निंदा से नहीं
अतिशय प्रशंसा से बुझ जाया करती है नामवर सिंह। अच्छा, बहुत बढ़िया है ना। सही कह रहे हैं, कल गलत था मेरा ये। अच्छा, कल गलत था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ये Q4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्वार्टर फोर, चौथे के लिए, है ना। जैसे एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, तो इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 से हम लोग भाग देंगे, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि हर 3 महीने का क्या है, एक क्वार्टर है। अंतिम क्वार्टर के अंदर भारत किस स्थान पर रहा है, ये तो याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, 51वें स्थान पर जो है वो भारत रहा है। बिल्कुल पंकज, स्वागत है आपका। पंकज, रिया चित्तौड़, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल स्वागत है आपका। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए पंकज। 51वें स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर ऑफ इंडिया टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? जल्दी से बता दीजिए, पद्म भूषण अवार्ड जो है ये किसको मिला है? पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। सर प्लीज टाइम चेंज कर दो, 1 तारीख से टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। 1 तारीख से सुबह टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल देवेंद्र झाझड़िया जो है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बी। सुनीता राज, आपका कमेंट आ चुका है, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो से संबंधित है, है ना। और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझड़िया बन चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल 1 तारीख से जो है वो टाइम चेंज हो रहा है। 2 टाइमिंग उसके अंदर हो सकता है रखी जाए। एक टाइमिंग होगी सुबह 5:15 बजे की, एक टाइमिंग तो ये हो सकती है सुबह 5:15 बजे डेली करंट अफेयर आए, या फिर दूसरी टाइमिंग आपकी हो सकती है सुबह 6 बजे की, है ना। या तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर आएगा, तो 2 टाइमिंग जो है वो आप लोग के पास में है, या तो सुबह 5:15 बजे या फिर सुबह 6 बजे, ये 2 टाइमिंग जो है वो आप लोग के पास में है। आपकी जो भी इच्छा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। हाँ, एक टाइमिंग सुबह 7 बजे भी हो सकता है, चाहो तो हो सकता है, है ना, चाहो तो ये भी हो सकता है। 3 टाइमिंग 5:15, 6 और 7 बजे। देवेंद्र और राजीव दोनों राजस्थान को, बिल्कुल पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया और किसको, राजीव महर्षि को, है ना। केरला आप लोग बता रहे हैं, केरला आप लोग बता रहे हैं कार्बन न्यूट्रल खेती करने के लिए, वो कौन सा है? केरल ही है, बहुत बढ़िया। किस किसने देखिए करेक्ट आंसर दिया है? सुनीता राज कह रहे हैं सी है, भरत मीणा कह रहे हैं बिल्कुल 23 का जो है सी करेक्ट आंसर है। कविता चौधरी 5:15 रखना, ठीक है। हर्ष कह रहे हैं केरला है, बिल्कुल केरल ही है। सुनताराज 5 बजे वाला रख लो सर। गीता वैष्णवी 5:15, मॉर्निंग में मत रखो। अच्छा, मॉर्निंग में ही नहीं रखें, क्यों 5:15 बजे क्या ही करते हो? साक्षी शर्मा, पंकज क्या करते हो 5:15 बजे? क्या जल्दी उठने से परहेज है? मॉर्निंग में जिम जाता हूँ, शाम को रख लो। कोई बोलेगा मैं शाम को भी जिम जाता हूँ, दोपहर में बोलेगा फिर मैं कुछ खो लेता हूँ, है ना भाई। जिम तो हम भी जा सकते हैं, जिम तो हम भी जा सकते हैं, लेकिन क्यों छूटा हुआ है? कोई कारण होगा इसके पीछे, है ना। चलिए, केरल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। विश्व क्षय रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? देखिए, आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, जिम में जाने से अच्छा होता है, घूमने चले जाइए, वॉक पे चले जाइए 15-20 मिनट तो भी काफी अच्छा हो सकता है, है ना। पंकज, पढ़ाई के लिए जो है वो कोई समय जो है, हर चीज में कटौती, पढ़ाई में कटौती नहीं है, ठीक है। अगर जीवन में कुछ करना है, बनना है, तो कुछ करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे। आराम जो है ना, आराम ये बहुत बेकार चीज है, आराम है ना, ये आपको क्या कर देता है, खत्म कर देता है आराम। चलिए, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24वें करेक्ट आंसर बताइए। साक्षी शर्मा 24 का, अच्छा 24 मार्च, 24वें का आंसर बता रहे हैं आप लोग, क्या डी आंसर बता रहे हैं? 24 मार्च जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। चलिए, आराम हराम है हमारे लिए तो यही समय सही है। कौन सा? 7:30 बजे का। पंकज बुरा मत मानना, लेकिन देखिए क्या है कि अभी समय है कुछ करने का,
मच्छर भी नहीं खाते इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, बातचीत हो गई है काफी। देखिए 25वां क्वेश्चन है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, है ना। बताइए जल्दी से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पांच वाला, हाँ बिल्कुल, 5:15 जो है, हो सकता है क्लास का टाइमिंग वो रख लिया जाए, सुबह 5:15, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी जो है सुबह सुबह क्लास ले सको। कविता चौधरी, रिचा, है ना, रिचा जो है करेक्ट आंसर है। भाई देखिए, सुबह का डिसीजन मैं इसलिए ले रहा हूँ, जल्दी का डिसीजन मैं इसलिए ले रहा हूँ। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है, मैं आपको कारण बताऊं, कारण क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुनीता राज, कार्तिक, उर्मिला, अमित कुमार, बहुत अच्छा, नुपुर, हर्ष, हनुमंत, भरत, मीणा आ गए हैं, बढ़िया, स्वागत है। देखिए सुबह का डिसीजन जो है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सुबह 7:30 वाले सेशन में भी जब विद्यार्थी नहीं आते हैं तो क्या ही कीजिएगा इस सुबह 7:30 वाले सेशन का, जल्दी ले जाइए। तो जब नहीं आने हैं तो 5:15 लेकर जो है इस कार्यक्रम को जो है वो क्या किया जाए, जल्दी ही निपटा लिया जाए, है ना। ठीक है, चलिए, सर के रीजन है, नहीं कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है, पढ़ाई के सामने कुछ भी मेरे लिए कोई रीजन नहीं होता है, पढ़ाई के लिए मेरे सामने जो है वो हर रीजन बेकार है, पढ़ाई सबसे पहले होती है, बाकी सब काम जो है वो बाद में होते हैं, है ना, रिश्तेदार, शादी, परवा, सब कुछ बेकार, है ना, पढ़ाई पहले। नहीं सर, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, सही बोला, पढ़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सर 17 लाइव हैं, 16 लाइक हैं, देखिए अब आप लोगों के सामने हालत है, 17 तो लाइव हैं और 16 ही लाइक हैं, है ना, लाइव से भी कम लाइक हैं, है ना, तो 7:30 रख के क्या ही करेंगे, कोई आता ही नहीं देखने के लिए। ठीक है, फिर सुबह 5:15 कर लेंगे तो उसमें भी कोई देखने के लिए नहीं आएगा, तो चलता रहेगा सेशन। चलिए, तो ऋचा मिश्रा के द्वारा जो है वो ये बुक लिखी गई है। चलिए आगे देखिए, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को 10% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। भाई हमारी जो GDP है इसकी ग्रोथ रेट 10% से घटाकर कितनी कर दी है, 8.5% आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल 8.5% जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। 10% से घटाकर कितनी कर दी है, वो कर दी है 8.5% घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसमें कोई नागरिक हो, भारत की जिसके पास में नागरिकता है वो, प्लस कोई गैर नागरिक भी है, कोई यदि गैर नागरिक भी है, यदि मान लीजिए वो भारत की भौगोलिक सीमा में कोई उत्पाद बनाता है, अपनी सेवाएं देता है, तो उनका मूल्य एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, इसमें यदि उत्पाद और सेवाएं देता है तो उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं, GDP के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, 8.5। चलिए 6:00 रखो सर जी, ठीक है, मतलब यही आसपास का यही टाइम रहेगा, बहुत अच्छा। चलिए वर्ष 2022 के लिए एवल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, भाई गणित ने कई बच्चों का दिमाग खराब किया है, BA यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे लगता है उनको देखकर कि वो गणित वाले टीचर को क्या मार दें, गोली मार दें, और जो गणित वाले स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि यार ये पॉलिटी वाले, हिस्ट्री वाले जो है इनको गोली मार दें, है ना, कुछ भी समझ में आता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एवल पुरस्कार जो है वो दिया गया है उर्मिला, जय मेवाड़ा, बिल्कुल आप लोग करेक्ट बता रहे हैं, 27 का जो है वो बी करेक्ट आंसर है, डेनिस पेलनेल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, जय मेवाड़ा, सर गांव जा रही हूँ, कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, गांव भी जा रही हैं, है ना, और खाना भी बना रही हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, अच्छा गांव जाना है, अभी थोड़ी देर बाद में जाना है, अभी खाना बना रहे हैं जल्दीबाजी के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, मगर गांव के रास्ते में भी है, खाना भी चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कमेंट कैसे आना चाहिए कि अभी खाना जो है वो जल्दीबाजी में बना रहे हैं क्योंकि गांव जाना है, अब जाना है आगे, है ना, गांव जो है अब जाना है ना, इसलिए खाना जो है जल्दीबाजी में बना रहे हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, संडे आज बिल्कुल गांव जाएंगे, हम भी अपने घर पे जाएंगे आज, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है, जल्दी बताइए, सभी का बना दो खाना, है खाना सभी का बना दो, चलिए कोई बात नहीं,
किस शहर के अंदर हुआ है? 28 का करेक्ट आंसर बताइए। 28 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जय मेवाड़ा हर्ष हनुमंत। बी जो है करेक्ट आंसर है हैदराबाद के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है, विंग्स इंडिया 2022 का, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद भारत की रियासत थी जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है वो भारत के अंदर मिलाया गया था, है ना, ऑपरेशन पोलो के तहत। चलिए 29वां क्वेश्चन है, जल्दी से टॉप 50 जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करते हैं। किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में साझेदारी की है, मतलब पूरी की पूरी टीम को क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन सा बैंक प्रोवाइड करा देगा, ये बताइए आपको, जल्दी से बताइए। कविता चौधरी कह रही हैं आईसीआईसीआई, अच्छा बहुत बढ़िया कविता चौधरी, नुपुर, भरत मीणा, गीता बिश्नोई, बहुत अच्छा। सी जो है करेक्ट आंसर है, आईसीआईसी बैंक जो है इन्होंने रिसेंटली आईपीएल जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स इसके साथ में क्या की है, साझेदारी की है। भारत की एकमात्र पहली जो है ये कौन सी बन गई है, यूनिकॉर्न भी, पहली कंपनी, पहली क्रिकेट टीम यानी कि पहला ऐसा स्पोर्ट्स जो कि यूनिकॉर्न बन चुका है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। चलिए सुबह 7:30 बजे हमारा सेशन होता है, कुछ दिन और चलेगा, है ना, अभी सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉप 50 हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। याद रखिए मैं आप लोगों के लिए रोजाना डेली जो है डेली वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, 100 क्वेश्चन हम लोग उसमें करेंगे। ये 100 क्वेश्चन हम लोग किसके करेंगे, जीके और जीएस के करने वाले हैं, जीके और जीएस के रोजाना 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें आप लोगों को मिलेगा किसके लिए, रीट के अंदर जो टॉपिक है उनको आप लोग कवर कर सकते हैं। वीडियो मेंस की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ये सेशन लेना चाहिए, यदि राजस्थान पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को सेशन लेना चाहिए, बाकी ऐसा ही आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग सेशन ले सकते हैं। रोजाना 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमने 10 दिन के अंदर कितना कर लेना है, 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 10 दिन में 1000 क्वेश्चन, ठीक है, 30 दिन के अंदर 3000 क्वेश्चन, ठीक है, 60 दिन के अंदर 6000 क्वेश्चन, मतलब 2 महीने में 6000 क्वेश्चन, रोजाना 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे तो लगभग 10000 क्वेश्चन हमारा करने का टारगेट है कि 10000 क्वेश्चन जो है वो हम लोग लेकर चलेंगे जीके जीएस के, है ना, पूरे के पूरे। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, केवल राजस्थान राजस्थान की, है ना, राजस्थान के अंदर जो है पूरे हम लोग क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए विजय के नाम से आरएस प्रीलिम्स और मेंस का बैच है, रिजोल्यूशन बैच है, 12 महीने का बैच है, आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। संकल्प के नाम से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच चल रहा है, प्लस टेस्ट सीरीज है जिसमें आप लोगों को सैटरडे को शाम को 4 बजे 2 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन का फुल सिलेबस जो है इसको कवर करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। रेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, रेट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, आप लोग इन कोर्सेज के अंदर एनरोल हो सकते हैं। मेरा कोड जो है उसको यूज कीजिए, मेरा कोड है डी सैनी, मेरा कोड जो है वो क्या है, डी सैनी जो है ये मेरा कोड है, इस कोड की मदद से आप लोग को 10% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग के लिए बैच है, ₹375 पर मंथ में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रीट लेवल 1 के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है कल के रोज, जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं मंडे को आप लोग ये टेस्ट दीजिएगा। रैंक 1 से लेकर 25 आती है तो आप लोगों को ये जो पूरा स्कॉलरशिप है इसमें, ये जैसे मान लीजिए रैंक 1 लेके आ गए 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 रैंक 3 लेके आते हैं तो आपको बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, क्या है कि किस IIT ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है, जल्दी बताइए। किस IIT ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है, ठीक है, बताइए जल्दी से। 30 नंबर क्वेश्चन, टॉप 50 हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सर राजस्थान का कब पढ़ाओगे, राजस्थान के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। कानपुर आप लोग कह रहे हैं, IIT कानपुर, का करेक्ट आंसर क्या है, IIT मद्रास है भाई, IIT मद्रास, है ना, IIT मद्रास के द्वारा भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक्वा मैप के साथ में एक नया अंत विषय प्रबंधन नीति केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। बता दीजिए 31वां क्वेश्चन काफी इजी है, EASY इजी इजी है, जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक नहीं किया है तो, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है शेयर कर दीजिए, ठीक है।
भाई सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोगों को पता है गुरु जी आपने पॉलिटी अच्छी पढ़ाई है इस चैनल पे, अच्छा धन्यवाद। अच्छा पॉलिटी पढ़ी आपने, बहुत बढ़िया। 31 का ए बता रहे हैं आप लोग, 31 का ए बिल्कुल। पुष्कर सिंह धामी जो है ये करेक्ट आंसर है, रिसेंटली ये दूसरे टर्म के लिए क्या बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोकेंद्र सिंह पवार बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। कविता चौधरी नुपुर, हर्ष, उर्मिला कुमारी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पॉट स्टार एक्सेस अवार्ड के में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, भाई ये जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो अलग अलग जो है वो संस्थान देते रहते हैं, ये जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड के द्वारा। चलिए नायरा, अच्छा नायरा ठीक है, बहुत अच्छा क्या बात है। जय मेवाड़ा रॉयल, उर्मिला, पूजा शर्मा कह रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, दीपक सर ऑफिशियल पर, दीपक सर ऑफिशियल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, दीपक सर ऑफिशियल जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, रोजाना नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आपको क्विज भी मिलेंगे है ना, क्विज जो है वो भी आप लोगों को मिलेंगे। नीरज चोपड़ा आप लोग बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, नीरज चोपड़ा जो है ये करेक्ट आंसर है ठीक है बिल्कुल। गीता बिश्नोई ने देखिए कमेंट भी कर दिया है, गीता बिश्नोई ने कमेंट भी कर दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग ठीक है। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल वो जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, इसलिए इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे बताइए, 33वां क्वेश्चन, लिमिटिए 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है, भारत और किस देश के बीच में लिमिटिए है ना, लिमिटिए ठीक है। चलिए बताइए लिमिटिए जो है वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है, जल्दी से बता दीजिए, क्या बता रहे हैं आप लोग देखें। आपका आंसर आया है बी सेशल्स, सेशल्स आपका आंसर आया है ठीक है। चलिए बी जो है ये करेक्ट आंसर है, सेशल जो है ये इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल, भारत और सेशल्स के बीच में लिमिटिए जो है वो युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए आगे देखिए, परिभाष ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है, परिभाष ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है, जल्दी बताइए भाई। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दीजिए, साक्षी शर्मा, उर्मिला रॉयल, नूपुर, कविता चौधरी, भरत मीणा, साक्षी शर्मा, कविता चौधरी ठीक है, जय मेवाड़ा यूएसए बता रहे हैं, यूएसए बता रहे हैं, कविता चौधरी का सी आंसर है, उर्मिला का सी आंसर है ठीक है। चलिए रॉयल कह रहे हैं, चलिए सी जो है करेक्ट आंसर है, कैलिफोर्निया है ना, यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया, तो वहां पर ये टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करवाया गया है, बहुत बढ़िया भाई। टॉप 50 हमको कवर करने हैं, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस 2022 का आयोजन कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस एग्जाम में आता है कई बार, बताइए विश्व जल दिवस। 34 का सी ठीक था, 34 का सी। आगे बताइए 35 क्वेश्चन का आंसर, भाई टॉप 50 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 15 ही क्वेश्चन बाकी हैं। 22 मार्च को बिल्कुल 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार की स्थापना हुई थी ठीक है। विश्व जल दिवस कब आता है, 22 मार्च को आता है, चलिए बहुत अच्छा। 36वां क्वेश्चन है, डोल उत्सव यानी कि डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं उत्सव वाले क्वेश्चन। रिसेंटली आपको शायद हाईकोर्ट वाले एग्जाम में जो था उस पेपर के अंदर था, कल परसों ही जब मैं स्पेशल क्लास ले रहा था एक विद्यार्थी ने मेरे को स्क्रीनशॉट उसका भेजा था है ना। चलिए 36 का डी बता रहे हैं आप लोग, वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल डोल उत्सव जो है वो कहां पर मनाया गया है, वेस्ट बंगाल के अंदर मनाया गया है, बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया, वेस्ट बंगाल के अंदर। नूपुर, उर्मिला, गीता बिश्नोई, रॉयल, साक्षी, चलिए एक बुक है आगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, हम लोग बहुत स्पीड से कर रहे हैं। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसंस बियॉन्ड द ओटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर, ओटी का मीन्स है ऑपरेशन थिएटर है ना भाई, उसके बाहर भी जो है वो लाइफ है ठीक है, बिल्कुल स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। बताइए 37वां क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। कविता चौधरी कह रहे हैं कि सर ए इसका आंसर होगा, बिल्कुल तहमतन
इरेका उडवाडिया जो है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री शामिल हुआ है? नायरा, बताइए आंसर क्या होगा। नायरा आंसर बताएंगे क्या होगा। साक्षी शर्मा, जयंती, गीता बिश्नोई, ए हनुमान सिंह, उर्मिला नुपुर, सी आप लोग आंसर बता रहे हैं। साक्षी शर्मा, जयंती रॉयल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कार्तिक, बहुत बढ़िया, सी जो है करेक्ट आंसर है। जयंती घोष जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। जयंती घोष करेक्ट आंसर है, बिल्कुल यही संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या बनाई है, भारतीय अर्थशास्त्री बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गजब का इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। आप लोग ट्रिपल स्टार इसको कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है कि प्रिजर अवार्ड जो कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, प्रिजर अवार्ड, प्रिजर पुरस्कार, 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? पहले अफ्रीकी जो है वो कौन बन गए हैं? 39 का बी आप लोग बता रहे हैं, 39 का बी, फ्रांसिस कैरे, करेरे फ्रां, ठीक है। कविता चौधरी, भरत मीणा, बहुत बढ़िया, गजब। 37 का ए था, ए 37 का, अच्छा ए 37 का था, आपने जो आंसर किया वो ए 37 का था, चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया था, गीता विष्णु में समझ गया था कि उसी का था वो, है ना। चलिए, तो यहां पर किसको मिला है? बी जो है फ्रांसिस कैरे, इनको प्रिजर अवार्ड 2022 जो है उनको मिला है। आप लोग एक नाम और याद रखना, बालकृष्ण दोषी, उनको भी प्रिजर अवार्ड जो है वो मिल चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? बताइए, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता है? सरजी सुधार भाई ने ब्लॉक कर दो, आप लोग कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिसको जो कमेंट करना है वो करता रहेगा, यहीं पे रह जाएगा वो, है ना, कोई सिलेक्शन विलेक्शन होने वाला नहीं है उनका, वो कमेंट करने में ध्यान है जिनका, वो यहीं पे रह जाने हैं, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। भरत मीणा, बिल्कुल 40 का सी, बहुत अच्छा। नायरा का 40 का सी है। पंकज आडवाणी, कविता चौधरी, नूपुर उर्मिला, बहुत अच्छा। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के बहुत बड़े चैंपियन हैं, इनको चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है वो मिला है, है ना, पंकज आडवाणी को। चलिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। गीता बिश्नोई, नूपुर, कविता चौधरी, उर्मिला, रॉयल, कविता चौधरी कह रहे हैं कि ए आंसर है। भरत मीणा कह रहे हैं 41 का ए, हनुमान सिंह, ब्रेन, ठीक है, उर्मिला, बिल्कुल एन ब्रेन सिंह जो है वो क्या बने हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। एन ब्रेन सिंह जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। मीराबाई चानू और एमसी मैरीकॉम जो है उनका संबंध भी कहां से है? मणिपुर से ही है। ये क्वेश्चन गजब का इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गजब का इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लेना। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर जो है वो भारत का कौन सा स्थान रहा है? जल्दी से बता दीजिए, सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी 42 का बी बता रहे हैं, 136, बहुत अच्छा, 136 जो है ये भारत का स्थान है। भरत मीणा पहले 140वें स्थान पर था, सुधार हुआ है। खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को खुशहाली दिवस आता है। पहले हमारी रैंक 140वीं थी, हमने इंप्रूव किया है 136 के ऊपर, है ना, तो हम थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा खुश रहने लग गए, है ना, पहले से थोड़ा सा खुश रहने लग गए हम लोग, थोड़ा सा, इतना सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ही खुश रहने लगे हैं, है ना भाई। जहां पर हम लोग महीने में एक पार्टी करते थे वहां पर अब दो पार्टी करने लगे हैं, बस इतना ही खुश हुए हैं, ठीक है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। चलिए, नायरा, हनुमान सिंह भाई, सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या बता रहे हैं आप लोग? पाकिस्तान 121वां, हाँ हाँ, हनुमान सिंह कह रहे ठीक है। भरत मीणा कह रहे हैं 43 का बी, 43 का बी, तेलंगाना, बिल्कुल तेलंगाना जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। भाई सात ही क्वेश्चन बचे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे तो मैं इसको कंप्लीट जल्दी कर पाएंगे अपन। हाँ बिल्कुल, गीता बिश्नोई, तेलंगाना जो है करेक्ट आंसर है। चलिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? TCS के MD और CEO जो है वो कौन बन गए हैं?
ठीक है, कविता चौधरी, हर्ष हनुमंत, गीता बिश्नोई, नुपुर, कविता चौधरी, ये आप लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 44 का गुरुजी रीट के बाद हमारी रैंक गिरी है। रीट के बाद नटराजन, देखिए टीसीएस के नए एमडी और सीईओ जो हैं, मैंने शायद आप लोगों को जब पहले सेशन लिया था तो मैंने आपको शायद आंसर जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा शायद गलत बता दिया था। देखिए आईटी प्रमुख कंपनी है टीसीएस के, टीसीएस के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथ को कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया है ना, तो मैंने शायद आपको एन चंद्रशेखर में बता दिया था, राजेश गोपीनाथ कर लेना आप लोगों का, हाँ इसका आंसर राजेश गोपीनाथ करना। तो राजेश गोपीनाथ जो है वो नए एमडी और सीईओ बने हैं टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए जो एमडी सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ आप लोग करना है ना। हो सकता है कि मैंने आप लोगों को बताया था ए आंसर, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने यही आप लोगों को बताया था, नटराजन, चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन है ना, आप लोगों को सी इसमें आंसर याद रखना है। ठीक है, राजेश गोपीनाथ जो है वो आपको बताना है। ठीक है, कर लोगे? क्योंकि टाटा का नाम आते ही एन चंद्रशेखरन का नाम आता है। ठीक है, चलिए राजेश गोपीनाथ आप लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। विश्व गौरैया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया, जल्दी बताइए भाई, आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे थोड़ा सा चेंजेस तो, है ना, बुद्धिजीवी हैं। बट थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक अपने बिहेवियर के अंदर पढ़ा होगा, थॉर्नडाइक के बारे में आरएस मेंस के अंदर भी बिहेवियर आता है ना। उर्मिला जय, बहुत अच्छा। देखिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, पता है आप लोगों को, 20 मार्च को जो है वो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 45 का बी करेक्ट आंसर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए एक गौरैया यानी कि पूरे विश्व पे, राष्ट्रीय भी नहीं है, पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है त्यौहार ये, देखिए है ना, घरेलू गौरैया। चलिए किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है ना, कौन सा देश है जिसने भारत के अंदर 3,20,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च करने की घोषणा की है? बताइए जल्दी से। 46 का करेक्ट आंसर बताइए, फ्रांस। आप लोग कह रहे हैं फ्रांस, भाई फ्रांस नहीं करेगा खर्च, फ्रांस नहीं करेगा, जापान खर्च करेगा है ना, जापान खर्च करेगा। जैसे चीन अलग अलग देशों में खर्च करता है वैसे जापान भी खर्च करता है ना, तो जापान खर्च करेगा है ना। तो जापान के प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, वो उन्होंने क्या बताया है कि वो जो है 5 ट्रिलियन येन जो है वो खर्च करेंगे भारत के अंदर। चलिए 3 ही क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सोली सोराब जी की जीवन पर आधारित है एक किताब जिसका नाम है सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स है ना, सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। 4700 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, टॉप 50 पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए जल्दी से, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। सी आप लोग बता रहे हैं, 47 का जो है सी आप लोग बता रहे हैं, अच्छा सी पहले वाले का था है ना, सी जो था वो पहले वाले का था। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, चलिए क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है, सी नहीं है। अभिनव चंद्रचूड़ जो है उन्होंने इस किताब को लिखा है, सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स, इस किताब को किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन हम लोग पहुंच रहे हैं टॉप 50 पर। 19 मार्च 2022 को सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, चलिए बताइए। उर्मिला रॉयल हरिद्वार का पंडित, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं है ना, देखे जा रहे हैं, एक विद्यार्थी की छवि जो है वो पता लग रही है कौन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए सीआरपीएफ जो है इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है जल्दी से बताइए। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उर्मिला बी बता रहे हैं 83, हरिद्वार का पंडित 83, बहुत अच्छा। कविता चौधरी 83, उर्मिला भरत मीणा
रॉयल नुपुर, बिल्कुल 83 जो है ये करेक्ट आंसर है। 83वां स्थापना दिवस मनाया है किसने? CRPF ने। चलिए दो ही क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। गंगा से किस नदी तक जाने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि जहाज का नाम है क्या? जहाज का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, वो गंगा नदी से कहां तक जो है वो जाया जाएगा, मतलब कहां तक जो है वो किस नदी तक गया है ये आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र आप लोग कह रहे हैं, कविता चौधरी का सबसे पहले कमेंट आया है, हर्ष का उसके बाद में आया है, उर्मिला का उसके बाद में आया है, फिर नुपुर का आया है, फिर रॉयल का आया है, फिर हरिद्वार का आया है, फिर नुपुर का आया है, फिर किसका आया है, रॉयल ने पहले आंसर दे दिया है। चलिए ब्रह्मपुत्र जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन नेपाल में सांगपो कहते हैं, सांगपो, है ना, नेपाल में कहते हैं सांगपो, इसको कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। CSE द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा बन गया है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा बन गया है, जल्दी से बताइए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर शहरों में कौन सा है? कविता चौधरी, भरत मीणा कह रहे हैं शहर, है ना, वो राजधानी थी, भरत मीणा वो राजधानी थी, शहर पूछा जा रहा है। गुरुग्राम आप लोग बता रहे हैं, भरत मीणा कह रहे हैं बी गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, हाँ जिला गाजियाबाद। चलिए 50 का बी जो है करेक्ट आंसर है, जिला गाजियाबाद ही जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। भाई जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो गाजियाबाद जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है, ठीक है। जल्दी आप लोगों के लिए 10,000 क्वेश्चन की सीरीज जो है मैं लाने वाला हूं, इसके साथ में ही मैं आप लोगों के लिए, है ना, ये तो क्या हो जाएगी 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज हो जाएगी GK GS की। रोजन हम लोग 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये तो हो जाएगा 100 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोगों के लिए करंट अफेयर का टाइम जो है वो मंडे से, मतलब 1 तारीख से चेंज हुआ, आज जो है 27 तारीख है, कुछ दिन बाद जो है 1 तारीख से आप लोगों का टाइम जो है 1 अप्रैल से अप्रैल फुल बनाते हुए आपका टाइम जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। संकल्प बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, 18 जून को एग्जाम है, 4 मंथ का ये ड्यूरेशन है। DSAINI आप लोग मेरा कोड यूज करना, DSAINI, इस कोड की मदद से आप लोग को 10% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सक्षम बैच है RS प्रीलिम्स के लिए, 6 महीने का बैच है हिंदी, और फरवरी 23 फरवरी को ये शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। जो भी बच्चे RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, है ना, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनके लिए लाइव सेशन रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। योद्धा के नाम से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो है वो प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है, हर संडे को ये होता है शाम को 6 बजे, 30 मिनट का ये टेस्ट होता है। संकल्प के नाम से जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करना DSAINI, ये मेरा कोड है, इस कोड की मदद से आप लोग को 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आप लोग को मेरा गाइडेंस जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर लेक्चर की PDF जो है वो आप लोग को मिल जाएगी। REET Level 1 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, REET Level 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को बैच ज्वाइन करना चाहिए साइंस मैथ्स के लिए, ठीक है। इस बैच में आप लोग एनरोल हो जाइए, काफ़ी कम फीस है, ₹375 पर मंथ के अंदर। REET Level 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 2 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है, प्राइस काफ़ी कम है, ₹375 पर मंथ। और REET Level 1 की एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है, आप लोग को देना चाहिए, स्कॉलरशिप टेस्ट है, रैंक 1 से लेकर रैंक 25 आने पर आपको स्कॉलरशिप का जो है फायदा दिया जाएगा, ठीक है। कॉम्बो ऑफर्स आपके लिए बड़ी बेहतरीन है, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इसको मिलाकर 10,999, 12 महीने का कॉम्बो है, और यही 6 महीने का कितने का है, 8,799 का। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और RPSC किसी भी कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए 12 महीने का है 10,499 का, और यही 6 महीने का कितने का है, 8,299 का। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और RPSC किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए भी कॉम्बो है 9,699, और ये 6 महीने का कितने का है, 8,299 का, ठीक है। मेरा कोड आप लोग यूज करना DSAINI जो है, ये मेरा कोड है, इस कोड की मदद से आप लोग को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा RPSC के कोर्सेज को, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इसके लिए कॉम्बो ऑफर है 12,399 का, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी आप लोगों के लिए कई कॉम्बो जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, आप लोगों को मेरा जो है कोड अप्लाई करना है DSAINI, इसकी मदद से आप लोग को पूरी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को 10% डिस्काउंट वाली फीस पे करने की जरूरत है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको कोर्स के अंदर एनरोल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कोड यूज करना,
पूरी फीस आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है, 10% डिस्काउंट के साथ में आप लोग फीस पे कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर लेक्चर की PDF लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और दीपक सर ऑफिशियल पर आप लोगों को लेक्चर का जो है वो PDF अवेलेबल करवा दिया जाता है। 3 चैनल रन हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेट्स क्रैक राजस्थान के नाम से, अन अकेडमी लाइव RPSC के नाम से, अन अकेडमी RPSC के नाम से 3 चैनल हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, सेशन कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मेरा कोड है DSAINI, 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा, बेल आइकन पर आप लोग हिट कर दीजिए। मिलते हम लोग कल सुबह 7:30 बजे वाले सेशन में, डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज आपकी स्पेशल क्लास नहीं है, आज जो है वो संडे है ना, तो स्पेशल क्लास कल सुबह लगेगी आपकी 11 बजे और कल शाम को 9 बजे। अच्छा, कल शाम वाली जो क्लास है 9 बजे वाली, जिसमें हम लोग राजस्थान की विधानसभा को पढ़ने वाले हैं, वो आप लोग जरूर अटेंड करना। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप लोग को बताए जाएंगे, काफी जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे के पूरे मुख्यमंत्री, उनकी डिटेल जो है वो आप लोग को बताई जाएगी। चलिए सेशन को आप लोग जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।